गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे लैब डायग्नोसिस ऑफ टीनिया सुलियम के बारे में। तो पहले तो टीनिया सुलियम करता क्या है? टीनियासिस कर सकता है, इंटेस्टाइनल टीनियासिस मतलब डायरियल का एपिसोड्स कर सकता है, ठीक है ना। डायरिया का एपिसोड्स बेसिकली क्या कर सकता है, बेसिकली क्या करेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम डायरियल एपिसोड्स कर सकता है। तो इसका कैसे हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे? स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो स्टूल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे भैया? नेकेड आई में आपको दिख जाएगा कि हाँ भैया टीनिया सुलियम है। और नेकेड एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल शुड बी मेड फॉर सेगमेंट्स ऑफ टीनिया स्पीशीज। वहाँ पे अगर सेगमेंट्स मिल गए टीनिया स्पीशीज के, तो हम लोग को दिख जाएगा कि हाँ भाई अपना टीनिया सुलियम का इन्फेक्शन है। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्पेसिमेन देखेंगे तो एग्स भी उनके दिख जाएंगे। फॉर द एग्स कैन बी कैरी आउट बाय डायरेक्ट स्मियर कर दो उसका, या कंसनट्रेशन मेथड बाय सेडिमेंटेशन टेक्निक, या कंसनट्रेशन मेथड कर दो। मतलब कि माइक्रोस्कोपी क्या पे क्या दिखेगा, बेसिकली आपका एग्स दिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट स्मियर पे। मॉलिकुलर मेथड क्या होंगे? डीएनए प्रोब होंगे, ठीक है ना, डीएनए प्रोब होंगे, पीएसीआर लगा दोगे, ठीक है, डीएनए प्रोब लगा दो, पीसीआर लगा दो, आर यू टू डिटेक्ट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एग्स और टीनिया सुलियम एंड टीनिया सेजेनेटा इन स्टूल स्पेसिमेन। टीनिया सुलियम और टीनिया सेजेनेटा के स्टूल स्पेसिमेन में हम लोग मॉलिक्यूल डीएनए प्रोब या पीसीआर मेथड लगा के क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसके एग्स को, ठीक। तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि सिस्टी सर्कोसिस, जो आपने डिजीज पड़ी है सिस्टी सर्कोसिस के लिए डायग्नोसिस कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सीटी आपको एमआरआई सीटी बता ही चुका है, बाय फॉलोइंग मेथड देख लो यार एक बार। बायोप्सी एग्जामिनेशन कर दोगे सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स और मतलब कि नोड्यूल्स का सिस्टी सर्काई के लिए, तो वहाँ समझ जाएगा। तो वो बेसिकली मसल्स हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू पे होते हैं, आपको याद होगा, ठीक है ना। एक्सरे ऑफ स्कल पे लगा दो, एक्सरे स्कल कर दो, सॉफ्ट टिश्यू टू डिटेक्ट कैल्सिफाइड सिस्टी सर्काई, ठीक है। 5 से 6 साल के अंतराल में क्या करते हैं, कैल्सिफिकेशन और वो ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं। सीटी लगा दो, एमआरआई कर दो, इसिनोफिलिया हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सीएसएफ एग्जामिनेशन कर दो और पीसीआर, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी जो सिस्टी सर्कोसिस के लैब डायग्नोसिस और टीनिया सुलियम के लैब डायग्नोसिस के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।